हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, सीटेट का एग्जाम अब 20 अगस्त को होने वाला है। जिस भी कैंडिडेट ने सीटेट का फॉर्म फिल कर रखा है या फिर जो एग्जाम देना चाहता है वो सीटेट की प्रिपरेशन में लगा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मैथ में वीक हैं या फिर आप मैथ से डरते हैं या फिर अब तक आपने मैथ की तैयारी नहीं की है तो कैसे आप मैथ की तैयारी इतने कम समय में कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने सीटेट का सिलेबस लिख रखा है दोनों पेपर का। सीटेट हमारे पास 2 लेवल पर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी, अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो मेरे लास्ट वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, यहाँ पेपर सेकंड का सिलेबस है। पेपर फर्स्ट में दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 के 5 सब्जेक्ट की 30-30 मार्क्स के होते हैं। यहाँ दोस्तों पेपर सेकंड में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ये तीनों सब्जेक्ट दोस्तों 30-30 मार्क्स के होते हैं और ये हमारे पास 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स का मैथ और 30 मार्क्स की साइंस है और यहाँ 60 मार्क्स का सोशल साइंस या सोशल स्टडीज बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास सिलेबस है। दोनों में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30-30 मार्क्स की होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड भी 30-30 मार्क्स के दोनों में है और मैथ भी दोस्तों दोनों में होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर हम मैथ में वीक हैं या फिर हमें मैथ से डर लगता है या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने अब तक मैथ की कोई भी तैयारी नहीं की है तो वो अब भी तैयारी करके मैथ में कैसे 25 प्लस मार्क्स ला सकता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ हमारे पास मैथ 30 मार्क्स का है तो अब हम क्या करें दोस्तों कि हम थोड़ा पढ़कर भी 25 प्लस मार्क्स ले आए। यहाँ पर हमारे पास टोटल जो मैथ है दोस्तों वो जैसे कि आपको पता ही है वो 30 मार्क्स का है। इस 30 मार्क्स के मैथ में दोस्तों हमारे पास 15 मार्क्स की पैडागोजी होती है और 15 मार्क्स का हमारे पास कंटेंट होता है। अब दोस्तों 15 अगर आप तैयारी कर रहे हो सीटेट के एग्जाम की तो 15 मार्क्स की पैडागोजी तो आपने तैयार कर ही ली होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ हमारे पास पैडागोजी ऑल ओवर 90 मार्क्स की होती है। कैसे दोस्तों, यहाँ ये 30 मार्क्स की है, 15 मार्क्स की यहाँ होती है, 15 मार्क्स की यहाँ होती है और 15 मार्क्स की यहाँ होती है और 15 मार्क्स की यहाँ होती है। तो ये टोटल मिलाकर दोस्तों हमारे पास पैडागोजी है जो वो 19 मार्क्स की होती है। तो सीटेट की प्रिपरेशन में सबसे पहले काम दोस्तों आपको यही करना है, क्या करना है, आपको अपनी पैडागोजी पक्की कर लेनी है। सबसे पहले आपको अपनी पैडागोजी की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि जिस बच्चे की पैडागोजी दी बेस्ट तैयार होगी दोस्तों वो सीटेट का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो पैडागोजी है वो 90 मार्क्स की है। अब दोस्तों हमने बात की पैडागोजी के बारे में, जैसे आपने 90 मार्क्स की पैडागोजी अपनी तैयार कर ली अच्छे से तो आप इसमें मैथमेटिक्स में 15 मार्क्स आसानी से ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों पैडागोजी को समझना होता है, रटना नहीं होता है। अगर आपकी पैडागोजी में अच्छी पकड़ बन गई और अच्छे से समझ आ गई तो 15 मार्क्स की पैडागोजी आप मैथ में आसानी से कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप ऐसा करना, मैथ पैडागोजी की कोई भी मैराथन वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके उसको 2 या 3 बार देख लेना। मैथ के 15 के 15 क्वेश्चन जो पैडागोजी वाले होते हैं वो उस मैराथन वीडियो में से आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि वहां दोस्तों मैराथन वीडियो में मैथ्स पैडागोजी में ये बताया जाता है कि हमें मैथ किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया उसमें यूज की जाती हैं, ये सब हमारे पास मैथ की पैडागोजी में बताया जाता है। तो मैथ्स पैडागोजी के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैथ्स की मैराथन वीडियो यूट्यूब पे सर्च करनी है और मैथ्स की मैराथन वीडियोज, मैथ्स पैडागोजी की मैराथन वीडियोस दोस्तों आपको यही कोई 1 घंटे की या 2 घंटे की मिल जाएगी, जो आपको अच्छी लगे, जिसका आपको समझ में आए, उस चैनल से आपको एक मैराथन वीडियोस देखनी है मैथ्स पैडागोजी की। सिर्फ मैराथन वीडियोस अगर आप अच्छे से समझ लोगे और ये देख लोगे कि मैराथन वीडियोज में मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कर रखे हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम मैथ्स को बिल्कुल आसानी से समझा सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं मैथ को
पढ़ाने की, तो ये आपने मैथ्स पैडागोजी में देख लेना है। तो दोस्तों अगर आप मैथ्स पैडागोजी की एक मैराथन वीडियो अच्छे से समझते हो, अच्छे से देखते हो और अपनी उसमें पकड़ बना लेते हो, तो आप मैथ्स पैडागोजी में आराम से 15 मार्क्स ले आते हो। अब दोस्तों आपके पास मैथ 30 मार्क्स का है, 15 मार्क्स तो आपके पैडागोजी में से आ जाएंगे। अब बचे हैं आपके पास कंटेंट के 15 मार्क्स। अब दोस्तों कई बच्चे क्या करते हैं, इन 15 मार्क्स के लिए एनसीईआरटी मैथ उठा लेते हैं और एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस करने बैठ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रोसीजर है दोस्तों, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है तैयारी करने का, तो अब आप एनसीईआरटी मैथ लेके मत बैठ जाना, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतना बड़ा मैथ, इतने मैथ हैं जो जैसे फर्स्ट या फिफ्थ तक के टीचर के लिए मैथ है, उसमें आपको फिफ्थ तक का मैथ पढ़ना पड़ेगा सारा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। अगर हम सी टैट की प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले से करने लग गए तो हम एनसीईआरटी मैथ कर सकते हैं, उससे हमें नॉलेज भी बहुत होगा और पेपर में भी आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब लास्ट के टाइम में हमें एनसीईआरटी मैथ नहीं उठाना है, वो भी सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, एनसीईआरटी मैथ अब नहीं पढ़ना है। यहाँ दोस्तों जो 15 मार्क्स का मैथ आता है वो बिल्कुल बेसिक मैथ आता है, वो हमने अपनी क्लासेज में सीख भी रखा है, उस मैथ में से हम दो तीन से चार क्वेश्चन तो अपने आप अपनी समझ से आराम से कर ही लेते हैं, क्योंकि वो मैथ बिल्कुल आसान मैथ आता है। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हो और ये चाहते हो कि मैथ्स में 25 प्लस मार्क्स आ जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन वीडियोज सर्च कर लेनी है यूट्यूब से, जितने भी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो एक वीडियो मिलेगी आपको, उसको सिर्फ उसको देखना है दोस्तों, उसको ये देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आगे हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और हमने उनको कैसे सोल्व करना है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, मैथ्स के कंटेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने हैं, कोई भी एक मैराथन वीडियो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको मैथ्स के कंटेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। दोस्तों सी टेट का बहुत सालों से वही पैटर्न है, कई बार तो क्वेश्चन एज इट इज दोबारा भी पूछ लिया जाता है, तो आपको मैथ्स के कंटेंट के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें ये देख लेना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैथ में अब भी पूछे जाएंगे, तो एनसीईआरटी मैथ आपको अब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक पैडागोजी की मैराथन वीडियोज देखनी है, जिससे आपको ये अनुमान हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी में और किस तरीके से उनका आंसर देना है। एक दोस्तों आपको 15 मार्क्स के लिए ही कंटेंट की मैराथन वीडियो देखनी है, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैथ में रूल सेम रहते हैं, तरीका भी सेम रहता है, जिस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, मैराथन वीडियोज देखनी है और मैथ के 15 मार्क्स पक्के कर लेने हैं। अब दोस्तों सिर्फ दो मैराथन वीडियोस देखनी है मैथ के लिए, इससे आपके मैथ में पक्का 25 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। क्या करना है, मैथ्स की पैडागोजी के लिए मैराथन वीडियोज और मैथ्स के कंटेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन वीडियोज। तो दोस्तों अब मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैथ बिल्कुल आसान आता है और जो हमारे पास पेपर फर्स्ट है इसमें तो बहुत ही आसान मैथ आता है। जो यहाँ मैथ है दोस्तों वो तो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ मैथ का पेपर वही देगा जिसने बीएससी कर रखी है या फिर जो मैथ का टीचर बनना चाहता है, तो पेपर सेकंड के स्टूडेंट के लिए तो मैथ में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। पेपर फर्स्ट के मैथ वैसे ही ईजी आता है दोस्तों, तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि मुझे मैथ नहीं आता या फिर मैं मैथ में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं मैथ को बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। नहीं दोस्तों, मैथ को बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है,
क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कोई सब्जेक्ट हमारे पास ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेता है किसी सब्जेक्ट में, और किसी सब्जेक्ट में आसान क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कई बार मैथ में ऐसा हो जाता है कि मैथ में ही आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और फिर आपका पेपर छूट जाता है। तो बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम मैथ को बिल्कुल ही छोड़ दें। नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ मैराथन वीडियोज देखनी है, दो मैराथन वीडियोज देखनी है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन वीडियोज और पैडागोजी की मैराथन वीडियोज। अगर आप ये दो वीडियो भी पक्की करते हो, इसमें अपनी समझ बना हो कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप का आंसर देना है, कौन सा फॉर्मूला कहां यूज कर रखा है, तो आपके दोस्तों 25 प्लस मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि अगर आप मैथ को छोड़ना चाहते हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं मैथ में क्या पढ़ूं, कैसे पास होऊंगा, तो ये करना है आपको मैथ के लिए। अगर आप दोस्तों ये चाहते हैं कि मैं आपको मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊं या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूं, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट के बारे में कोई भी डाउट है दोस्तों, कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर कैसी वीडियो आप चाहते हैं, तो ये आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू दोस्तों।